बेबी की बर्थडे है तो सरप्राइज में थोड़ा सा टाइम है, आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसी हालत में मैं जाऊंगी। कौन सा बैग है? आपको तो बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं। आओ ना, तुम लोग उतर ही जा रहे हो। क्या है इस बैग में? हाँ, प्राइस क्या है? 50,000। बाकी पैसे का मसला थोड़ी है, लेकिन उस पर डाउट था और तो मैंने यहाँ साइड में रख के बैठी हुई थी। 4% हो चुकी है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आपके काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सीन ऐसा था कि मैं सुबह सुबह आ गई थी क्लिनिक, क्योंकि मेरा लेजर सेशन था, तो बस मैंने वो करवाया है। नाउ आई एम डन विद माय लेजर सेशन, तो मैंने सोचा जल्दी से ब्लॉग का आगाज कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे छोटे मोटे प्यारे क्यूट बेबी की बर्थडे है। तो मेरा इरादा कुछ और था, उसको एक सरप्राइज देने का। बस उस सरप्राइज में थोड़ा सा टाइम है, मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले, जब उसका बर्थडे मतलब एक्चुअल वाला, उसको छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए। जब वो सरप्राइज आएगा तो फिर मैं उसको दे दूंगी। वो सरप्राइज बहुत बहुत उसको पसंद आएगा, डेफिनेटली श्योर कि जब आप लोग को भी पता चलेगा तो आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। अभी क्योंकि मैं क्लिनिक में हूँ, तो मैंने मामा से घर से कपड़े मंगवाए। मामा ने कहा था कि हमें यहाँ से जाना है, तो मैंने कहा कि हम मेरे कपड़े फिर रख के ले आए, ऐसे तो डबल डबल हो जाएगा, आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो वैसे इतना कोई खास तैयार होके नहीं आई थी, तो बस कपड़े मंगवाए हैं, मामा ऑन द वे है, फिर मैं ड्रेस चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे। जी मम्मा आ चुकी हैं सामान लेके इतनी देर से। इतना टाइम क्यों लगाया आपने? तुमने बोला था एक घंटे बाद। अल्लाह, आधा घंटा बोला था कि बच्चे ने देर लगाएगी। मेरे कपड़े भी आ चुके हैं और मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। आप सब, फाइनली मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है गाइस, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। इसी हालत में मैं जाऊँगी, बट ये आउटफिट मैंने रिपीट किया, बिकॉज आई जस्ट लव द आउटफिट, आई जस्ट लव द डिटेल, तो इस वजह से मैंने दोबारा पहना है। और दोबारा पहनना कोई गलत बात नहीं है गाइस। बस अब चलते हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ गाइस। यहाँ रोड इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देख सकते हैं आप, हाल बेहाल है। आई भी मैं बहुत मुश्किल से थी और अब जा भी बहुत मुश्किल से रही। गाइस ये है वो बच्चा जिसका है बर्थडे। कितने साल के हो रहे हैं? 12 साल के होने। एक बैग चाहिए इनको, और वो बैग मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी अगर इनको मिल गया तो। लेट्स सी कि इनके नसीब में वो बैग है क्या नहीं। गाइस मेरी अम्मा जो है अपना फोन गाड़ी में भूल गई है, फुल आराम से मस्त मॉल में चलती हुई चले गई है वो बाहर। अब इनका फोन छुपा देते हैं और बोलेंगे कहाँ रखा है आपने। लेट्स सी मम्मा का रिएक्शन क्या होता है। एसी को करो बंद, तुम बेटा गाड़ी में बैठे रहो। हम शॉप पर आ चुके हैं और उज़ैम के लिए बैग मिल गए। उज़ैम आ जाओ, इसमें से कौन सा बैग है? कोई ऐसा बैग तो नहीं चाहिए। ये बैग नहीं चाहिए तुम्हें? लो भाई, फिर कौन सा बैग चाहिए? एक बैग है, आप लोग देखिए, आप बोले नहीं और अभी तो वो अवेलेबल होगा इनके पास? होगा होगा। मुझे तो लगा भाई ये छोटा मोटा बैग चाहिए, आप तो भाई सरदार निकले। आपको तो बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं, किसकी तरह से मिल रहे हैं? क्या खो गया? अरे फोन मेरे साइड में था, वो वहीं रह गया गाड़ी में। अरे तो मम्मा गाड़ी में ही है ना। नहीं फिर भी भेजो कोरी। अरे तो गाड़ी से कहाँ जाना है, बोलती हूँ भैया को। ये आ गया एक अदद बैग जिनकी चाहत है हसन खान को। क्या है इस बैग में? हाँ क्या है इस बैग में? आँखें। अच्छा नहीं नहीं, मजे का बैग है गाइस, इसको बहुत ज्यादा चाहती बहुत टाइम से और फाइनली इसको मिल गया। इसकी प्राइस क्या है? 50,000। हमें पता था हर जगह यही प्राइस थी। बाद में करना थी वो दो चाबी। अरे नहीं वैली को यार, तो फोन देखना जरूरी है। तो मैंने नीचे जेब में रखे हैं यार, ये साइड में रख के बैठी हूं। अरे सब कुछ मेरा भी। अच्छा फोन के छोड़ दिया, तुमने मम्मा का फोन लिया है? मम्मा का ही लिया बस। तो फिर बड़े मालूम की मम्मी का आपको तंग। मेरा फोन तो मेरे बैग में, छोटा वाला क्यों नहीं, छोटा छोटा बैग रखा हुआ था। देखिए मेरा छोटा फोन उतारो कसम से, देख ले है उसके बैग में। कवर दो, कवर दो।
2000 years later. मैं ये है वो बैग जो आपके बेटे को पसंद आया है जिसके अंदर आंखें बनी हुई हैं और अलग अलग इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। क्या बताएं मतलब क्या है उस बैग? क्या है मैं भी तो यही देख रही हूँ। ये ऐसा बैग है इसमें क्या क्या ऑप्शन है? पक्की बात है तो मैं चाहिए पक्की बात है। नॉर्मल बैग ले लो मैं कह रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला बैग ले लो बहुत अच्छा लगेगा। आई ट्वेल्व बहुत अच्छा लगेगा। छोटे मोटे बैग ट्रैवलिंग में काम आते हैं, वरना वो स्कूल बैग की ले लो। स्कूल बैग मम्मा देख रही है कि इसके अंदर ऐसा 50,000 वाला क्या है। मम्मा देखे आगे चेंज करते, इसको रखो तो ऐसा लगता है कि कोई चीज रखी है और लोग डर के भाग जाते हैं। कितने टाइम बैटरी चलती है इसकी? तकरीबन दे देगा। पक्की बात है? और अगर नहीं दी तो फिर वापस आ सकते हैं? एक्सचेंज पॉलिसी है? एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। नहीं है बेटा, बाइक ले लो वो ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर गाइस बाइक के फीचर्स बताए जा रहे हैं, उन्होंने उज़ैम का नाम भी मेंशन कर दिया है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हाँ आंखें चेंज होंगी, नाम लिखा हुआ होगा, मतलब कूल वाला बैग है। मैं हमेशा से ये चीज देखती हूँ कि बेशक अमाउंट ज्यादा हो लेकिन उस अमाउंट के हिसाब से वो चीज वर्थ इट, वरना लेना बेकार है। बाकी पैसे का मसला थोड़ी है। यहाँ पे मुझे बबल गन नजर आई है, ये वाली जो मुझे हमेशा से चाहिए थी, बट मुझे पता नहीं कि उस पर डाउट था, बट मैंने उनको बोला है क्या मुझे निकाल के दिखाओगे। अब इसको हमने खुलवाया है। हाय गिर गई। वैसी है आपको डिप करने वाली चाहिए? बॉटल के साथ चाहिए? ये तो डिप करने वाली है ना। आपको बॉटल लगा के शॉट करना। आप मुझे वैसी दिखा दें ये वाली हाथ में लेके। हमें जस्ट देखनी है थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह। इसके बेसिकली पोर्ट ज्यादा है जी, 86 पोर्ट है तकरीबन। वेटलेस है बिल्कुल, इसमें कम है। और इनमें ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट बॉटल लगी हुई लगाया बट ये बच्चों की है ना। अगर आपको अपने यूज के लिए चाहिए तो फिर आप लोग को ये चीज अच्छी है, ये न्यू है बेसिकली। और जो इनका लिक्विड होता है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कह रहे मजे की है ना, खा के देखिए। मैं गाड़ी में कहाँ रखा था आपने? पूरी गाड़ी में देख लिया, नहीं है आप देखिए। अच्छा मम्मा शोर नहीं करे इधर, आप चले। अच्छा चले तो चले। मेरी अम्मा सख्त गुस्से में है। मैं उसको उसी को बोलूं, मेरे फोन चेक कर लो, कह रहा गाड़ी में ही होगा। गाड़ी में? अच्छा चेक तो कर ले गाड़ी में जाके। डिजाइन वहीं बैठे 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 मम्मा चेक करो अपना फोन। कहाँ रखा था आपने? अरे तो मैंने यहाँ साइड में रख के बैठी हुई थी ना। मैं हमें क्या पता आपको फोन? मैं जल्दी में उतरी थी, मैंने अन्नु को बोल दिया। अम्मा ने पहले वाले अंकल लेगा मुझे लगता है। अम्मा जल्दी से क्यों आ गए हो? मैं यूं बैठ पे इतने कैसे हो सकती है? तुम एक बात सुनो, जब तुम गाड़ी दोगे तो तुम देखोगे ना क्या चीज गाड़ी के अंदर। बाबा भी तो देखते हैं। मैंने देखा, यहाँ रखा हुआ था इधर, मैंने देखा। हाँ लेकिन आप फोन देखे क्यों नहीं उतरी? अरे भाई उस टाइम भाई ने गाड़ी रोकी थी, पीछे गाड़ियाँ आ गई, उतरे जल्दी उतरे, उस चक्कर में मैं जल्दी में उतर गई। फोन यूज नहीं करती मैं, समझ में आई? तो बस खो गया, खो गया, सो खो गया, अब नया ही आएगा। अच्छा फालतू में खो गया, ढूंढो जल्दी से अन्नू। इस बच्चे को चुन लगी, इस बच्चे को चुन लगी। अच्छा ये तो मेरा फोन है। मां मुझे लगता है साइड राइड में गाइस है। नहीं करो, कॉल करो, कॉल करो। अच्छा अच्छा कर रहे, रिलैक्स रिलैक्स। जरी कॉल कर लो बेटा, करो कॉल। घर पे फोन है? फोन घर पे नहीं है, मैंने आके आप ही को कॉल की। ये ले ये रहा ये रहा, नीचे पड़ा है। नीचे मेरा उदयम छुपाया था सीट के नीचे। अच्छा ये लो प्रैंक कर रहा है। ये रहा ये रहा, नीचे पड़ा है। कहाँ से आ गया फोन अब? फोन कहाँ था? आप पूछ रही है नीचे गिर गया था रोड पे पहले वाले ने जी। फोन गिर गया, फोन नीचे गिर गया था। और तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ फोन का है, फोन का तुम। हाँ तो आपको ये बताना था कि आपने लापरवाही क्यों की? आपने लापरवाही का नतीजा है गाड़ी में नहीं रहा मिल गया। लेकिन बी केयरफुल मम्मा, ये चीजें बहुत सेंसिटिव है। नहीं मेरा दिल अजीब हो गया, कह रहा गाड़ी के अंदर है, गाड़ी में आके भी नहीं आता फोन। अच्छा चले ओके। गाइस यहाँ पे अभी थोड़े से ड्रेसेस वगैरह लिए जा रहे हैं, उसमें अपनी मर्जी शॉपिंग कर रहा है। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि जिस दिन सेशन होता है उस दिन
मैं लोलो हो जाती हूँ। तो खैर बस ये लोग शॉपिंग करें, देन उसके बाद आई डोंट हैव मच चार्जिंग इन माई फ़ोन, क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5% चार्जिंग है, क्योंकि बिल्कुल भी फ़ोन चार्ज नहीं किया ना मेरे पास चार्जर है, बट छोटा फ़ोन है तो उसमें आई विल शूट माई ब्लॉग। मैं ये वाला फ़ोन मैं बैग में रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, 4% हो चुकी है। इससे पहले बंद उसको बैग में रख लेते हैं।